महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ जैसे मसलों पर कांग्रेस ब्लॉक स्तर से लेकर देश के स्तर तक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से लेकर देश की राजधानी तक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं AICC दफ्तर में। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रहने के लिए तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ा टेंट लगाया गया है जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो आएंगे देश के अलग अलग हिस्सों से उन्हें यहाँ ठहराया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं फैन, बड़े बड़े फैन लगाए गए हैं, बड़े कूलर लगाए गए हैं, गद्दे लगाए गए हैं ताकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ ठहराया जा सके। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इस बात की भी आशंका है कि दिल्ली पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय तक आने नहीं देगी, इसलिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। लगातार कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, जरूरी चीजों पर GST लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब संसद के बाद सड़क पर उतरने की तैयारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पुरजोर व्यवस्था की गई है। कांग्रेस का प्लान ये था कि प्रधानमंत्री के आवास तक बढ़े, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने की उन्हें इजाजत मिले, लेकिन इस तरह की कोई इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। और न सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय में एक जगह बल्कि दूसरी जगह भी कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं, महिला कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, पुरुष कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। अलग अलग हिस्सों से ये लोग, अलग देश के अलग अलग हिस्से से ये लोग पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। आप कहां से हैं मैम? पंजाब से। पंजाब से आई? पंजाब से आए हैं। प्रदर्शन की तैयारी? बिल्कुल तैयारी है और पंजाब से पूरा जत्था आ रहा है, अभी तो लाइनें लगी पड़ी हैं बाहर, हमारी साथियां पहुंच रही हैं इधर। ये महंगाई जो मोदी जी ने इतनी बढ़ा रखी है उसके खिलाफ प्रदर्शन? बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है और जनता से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आई हैं मैम? हम चित्रकूट से आए। चित्रकूट से आए? मेरा नाम संपत पाल है, गुलाबी गैंग का नाम सुना? जी जी बिल्कुल। हाँ हम वही है जी। तो क्या है तैयारी, कल क्या प्रदर्शन करेंगे? दिल्ली पुलिस ने तो इजाजत नहीं दी। अरे पुलिस तो हर जगह रोकती रहती है, पुलिस किसी को इजाजत देगी? पुलिस तो हर हमेशा सत्ता के गुलाम होती है, ये सबको पता है, लेकिन जो पब्लिक होती है वो अपनी लड़ाई लड़ती है। पब्लिक अपनी लड़ाई लड़ेगी। यहाँ देख सकते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, GST जैसे मसलों पर प्रदर्शन करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग गाजियाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से हैं और हम अपने नेता के समर्थन के लिए और मोदी की तानाशाही के खिलाफ यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। हमारे नेता ने कहा सच्चाई को मोदी और बैरिकेड नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई। लोकतंत्र को बचाएंगे, जनता से जुड़े किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए असली लड़ाई तो यही है, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, उनसे भयभीत होकर ED और दूसरी जो संस्थाएं उनका प्रयोग करके तरह तरह से हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पूरा जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे नोएडा से है, पूरे देश से है, सब लोग यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग हैं राहुल गांधी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है और देश के मुद्दों के हम लोग उठाते रहेंगे। बेरोजगारी, अग्निपथ, जितनी योजनाएं हैं जो इनके खिलाफ, जो आम जनमानस के खिलाफ योजनाएं हैं उनका हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से जुटे हुए हैं। AICC में तैयारी की गई है इनके ठहरने के लिए और 5 अगस्त को ब्लॉक स्तर से लेकर देश की राजधानी तक सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।